تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان آپ کا جو ڈالا ہے وہ بالکل خراب ہے مہربانی کر کے آپ اپنے ڈالے کو ریپیئر کرو تو میں نے بھی سوچا کہ ایک دو دن یہاں مال نہیں ملا تو اس سے اچھا ہے اپنی گاڑی کا کام ہی کریں گے کیونکہ اس سال کوئی سیزن نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سیف جو ہے یہ جلد سے جلد ہینڈ ہونا چاہیے پھر کچھ ٹائم ایسا دیکھ رہا ہوں یار اس کو کتنا ٹائم ہوا چھوٹا آپ کے ساتھ گلری کو نہیں مطلب پالتو ہو گیا نا ابھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے جیسے پورا خراب تھا फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके ऊपर चादर डाला है नया और ये जो एंगल है ये भी चेंज हुआ है ऊपर वाला एंगल ये वाला तीनों एंगल चेंज हुए नट वट सब चेंज और साइड में जो स्टील की जो दो पतरी है वो डाली है उस साइड और इस साइड में तो फिलहाल उस्ताद अपना हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में आई होप कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे जैसे कि आप दोस्तों ने प्रीवियस वीडियो व्लॉग में देखा था कि हम बिल्कुल सेफली जो है जम्मू पहुंच गए थे उसके बाद हमने मंडे का अपडेट भी आपको दिया था तो उसके बाद अपनी गाड़ी का थोड़ा माड़ा मोटा काम किया हमने एक डाला और एक ही लेफ्ट वाली वायरी थी क्योंकि ये पूरा ख़राब थी और डाले का चादर वगैरह जो है वो हमने नया डाला तो इसी के साथ साथ अभी ना भाई यहाँ पर अपनी जो गाड़ी है वो ठीक कर रहे हैं इसीलिए टाइम नहीं आया हमें वीडियो शूट करने के लिए तो आज का प्यारा सा वीडियो व्लॉग करते हैं यहीं जम्मू नरवाल से ही स्टार्ट तो अपनी गाड़ी का काम हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है वो आप वीडियो में देख सकते हो तो अभी ना हम जस्ट निकलने वाले हैं अपने लोडिंग पॉइंट पर बड़ी ब्रह्मणा तो वहाँ से हमें अपनी गाड़ियों में क्या भरना है सरिया भरना है आयरन तो कहाँ के लिए लेह लद्दाख के लिए क्योंकि अनंतनाग का माल ही नहीं मिल रहा है यार तीन दिन से हम वेट कर रहे थे तो फिर अभी ये चार गाड़ी डिमांड आई है हम दो गाड़ी है मुश्ताक भाई और मैं और एक दो गाड़ी है अपने साथ तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से चलते हैं जल्द से जल्द फैक्ट्री में और करते हैं वहीं पे अपनी गाड़ी का लोडिंग और इसी के साथ साथ आप सभी दोस्तों और फॉलोअरों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करके जाना तो फाइनली गाइस बहुत से भाई लोगों की डिमांड आ रही थी आबिद भाई की जल्द से जल्द अपनी गाड़ी का जो डाला है इसको रिपेयर करो क्योंकि डाला जो है इसका चादर बिल्कुल ख़त्म हो गया था लुक इसका मतलब पीछे से गाड़ी अजीब सी दिख रही थी तो फिलहाल हमने लगा दी है अपने बाड़ी वाले के पास सरदार के पास गाड़ी तो मैंने बोला नीचे जो ये लकड़ी है इसको चादर नहीं डालना है ऊपर इसको डिज़ाइन ही बनाएंगे क्योंकि आपको पता ही होगा चादर बार बार ख़राब हो जाती है और ना खासकर नई गाड़ियों में आज यही डिज़ाइन डालता है तो इसके बाद ऊपर से हो जाएगा पेंट इसका ये देखो उस्ताद किस तरह गैलेंडर से इसका जो डिज़ाइन है वो बना रहा है और इसी के साथ साथ भाई जो है अपना गाड़ी का हम सोच रहे थे माल मिलेगा नहीं मिला आज एक बजे तक तो मैंने उस्ताद को बोला आप मेरे साथ वापस करो डाला आप बिल्कुल सेट करके दे दो और लेफ्ट साइड में बारी जो है उसकी भी लकड़ी ख़राब हो चुकी है उसका भी आप नज़र मारो और मलगाड़ जो आपने हैं वो भी नए बनाने हैं तो फिलहाल अभी ना हम यहीं पर वेट कर रहे हैं देखेंगे कितने बजे तक जो है आज हो पाएगी अपनी गाड़ी कम्प्लीट हो जाएगी काम या नहीं तो वो बाद में ही पता चलेगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डाले का काम करना है इसमें भी लगभग एक दिन लग जाता है डाला पूरा खोलना पड़ता है फिर उसमें जो लकड़ी ख़राब होगी वो भी नया डालना पड़ता है जो एंगल ख़राब होंगे वो भी नए डालने पड़ते हैं तो ये देखो स्टील हमने सोचा साइड में हम इसको स्टील का चादर डालेंगे और 24 गेज का चादर हमने लाया हमने उस्ताद को बोला सबसे अच्छा चादर लाओ मोटा वाला तो उस्ताद ने 24 गेज का जो चादर है वो ही लाया है यहाँ पे कुछ माल नहीं मिल रहा था इसकी वजह से हमने सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी गाड़ी का काम ही करेंगे जैसे कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि ये जो कास्ट था इसका ये बिल्कुल डैमेज था ये आप देख सकते हो भाई तो फिलहाल इसकी रिपेयरिंग कर की हमने इसके अंदर जो भी लकड़ी थी वो ख़राब थी वो डाल दी हमने क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता था भाई तो फिलहाल आप देख सकते हो किस तरह बारी जो है बंद होती है ये देखो भाई एक ये और ये शीशा भी बाहर आया था इसको भी नया जो साइड में ये दोनों साइड से नया डल गया और ये भी बंद हो गया फिक्स हो गया तो फिलहाल
अब पीछे डाले का काम चल रहा है, मैं आपको सरप्राइज दिखाने वाला हूँ डाला। तो ये देख सकते हो भाई, ये रहा नरवाल का व्यू और इस साल सेब के सीजन का हाल। तो ये देखो ताले भाई जो है, अभी आपने जो गाड़ी के बातें हैं ये भी हमने ठीक करवाए, तो ये अभी इनको ही बंद कर रहा है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये मलगाड़ वलगाड़ भी रिपेयर करवाया सब कुछ, और आगे से कांच और पीछे डाला। ये देखो गाइस, उस्ताद अपना जो है अभी लगा हुआ है रंग लगाने में, क्योंकि पीछे डाला पूरा खराब था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके ऊपर चादर डाला है नया, और ये जो एंगल है ये भी चेंज हुआ है, ऊपर वाला एंगल ये वाला, तीनों एंगल चेंज हुए, नट वट सब चेंज, और साइड में जो स्टील की जो दो पतरी है वो डाली है उस साइड और इस साइड में। तो फिलहाल उस्ताद अपना कलर कर रहा है यहाँ पे गाड़ी का, तो देखेंगे कलर करने के बाद अगर मिल जाएगा कुछ तो ठीक है, अगर नहीं तो, क्योंकि आज आपको पता ही होगा आज संडे है, संडे की वो दिन यहाँ छुट्टी रहती है। तो बहुत से भाई लोगों की कमेंट आ रही थी कि आदिल भाई आपका जो डाला है वो बिल्कुल ख़राब है, मेहरबानी करके आप अपने डाले को रिपेयर करो। तो मैंने भी सोचा कि एक दो दिन यहाँ माल नहीं मिला तो उससे अच्छा है अपनी गाड़ी का काम ही करेंगे, क्योंकि इस साल कोई सीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये सेब जो है ये जल्द से जल्द हैंडी होना चाहिए, फिर अच्छा रहता है, क्योंकि आज दोनों साइड से उधर से भी माल इधर से भी माल, फिर जब घर में बचत देखते हैं तो खाली गाड़ी से कम बचत रहती है फिर सेब में भाई। तो ये रहा जुनेद भाई की गाड़ी, देख सकते हो 12 मॉडल है भाई की गाड़ी। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब जब भी हम सरहन जाएंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम जो है एक है ये जंगला और दूसरा शो पे स्टील लगाना है, और फिर उसके बाद जो है भाई उसके बाद फिर सीधा हम गाड़ी का पेंट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ या उसके बाद अपनी गाड़ी का फुल सेटिंग कर देंगे। और ये देखो, और जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, गाड़ी का नंबर है JK03-72-78। तो इस गाड़ी का हमने धक्का देने की पूरी कोशिश की थी लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल मैंने भाई को बोला आप मेरी गाड़ी से बैटरी ले जाओ, क्योंकि जब हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर मतलब कौन से ड्राइवर हैं हम। तो मैंने भाई को बोला, अभी जो है भाई बैटरी खोल रहा है, तेरे का। तो फिलहाल अपना नरवाल क्रॉस होने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बाहर, ये आप देख सकते हो, ये रही मुश्ताक भाई की गाड़ी आगे आगे, और आगे हम वेट कर रहे हैं कि कब हमें सिग्नल मिलेगी आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रोड पे है यहाँ पे साइनस एंड सिग्नल उसको फॉलो करना पड़ता है, जो मेजर पॉइंट है रोड पे। बेटा ख्याल रखना उधर से यार। ये देखो भाई अभी ना मोड़ रहे हैं बड़ी ब्रेमना की तरफ, देख सकते हो भाई, क्योंकि हर किसी बंदे की यही कोशिश रहती है कि जो ग्रीन सिग्नल है उसी में गाड़ी पार होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन सिग्नल के बगैर रेड सिग्नल में गाड़ी पास हुई या और किसी सिग्नल में तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। वो नज़र रखना गोरे, नज़र रखो भाई, क्योंकि छोटी गाड़ी वाले एक तो गलत आते हैं, फिर मतलब मानते नहीं, फिर बोलते हैं बड़े ड्राइवरों को गाड़ी वालों को कहते हैं कि भाई फिर हमें नुकसान दे दो। देखो भाई यहाँ पे भी रोड की वर्क चल रही है आजकल। ओ कहाँ आएगा, ओ कहाँ पहुंचते हैं जल्द से जल्द फैक्ट्री के पास, और वहां पे देखते हैं बड़ी ब्रह्मना कि अपनी गाड़ी जो है वो लोड हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वहां पे जो काम है वो एकदम क्विक काम किया जाता है वहां पे, देख सकती हो गाइस। और फिर से हटो कपड़े, और फिर से एक बार ले चलेंगे आप सभी दोस्तों को अपने साथ ले लद्दाख, और दिखाएंगे कि कैसा अपना जर्नी फिर से रहेगा, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो नहीं होता है। आपने सोचा था कि हम घर का माल भरेंगे, 3 दिन से घर का माल ही नहीं मिला, तो फिर हम गाड़ी का ही काम कर रहे थे, तो अब हमने सोचा कि अब
मतलब जब माल ही नहीं मिल रहा, ऊपर से संडे थी तो हमने सोचा ये डिमांड आ गई थी सरिया भरने की, आयरन भरने की, तो हमने सोचा इसको हम भर लेंगे। मुश्ताक भाई भी साथ है, क्योंकि जब दो गाड़ी साथ रहती है फिर कोई टेंशन नहीं रहता है रास्ते में। और गाइस ये आप देख सकते हो आज मुश्ताक भाई ने कौन से रास्ते से लाया है, तो ये अंदर वाला रास्ता है, लेकिन यहाँ से पूरा शॉर्ट रोड है, तो आप समझ सकते हो मतलब कि बहुत शॉर्ट है। लेकिन यही इसमें देख सकते हो यहाँ पे ये नदी जो है वो पार करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है पहुँच जाते हैं बड़े ब्रह्मनाथ। तो फिलहाल हम आराम आराम से ही चल रहे हैं इस नदी पे क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टायर स्लिप वगैरह भी कर सकता है। तो ये आप देख सकते हो भाई बाइक वालों का क्या हाल है। सरकार को चाहे यहाँ पे एक पुल एक बनाना था इस साइड को कनेक्ट करने के लिए उस साइड से, ये देखो, क्योंकि अगर नदी में पानी जो है बहुत होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेंगे और लोग कैसे क्रॉस हो जाएंगे इसमें। ये देखो भाई बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो राजू गाड़ी चढ़ेगा है, चढ़ेगा बिस्मिल्लाह। ये स्लिप करते हैं ना भाई ऐसे रोड पे, फिर स्लिप वाला भाई। हाँ भाई जान इस साइड भी स्लिप है, हर जगह निगरानी। आए ये निकल गया गलत, ये स्लिप काटना पड़ता है इसका 50 रुपया तच्चा के कर। और वेलकम टू बड़ी ब्रह्मा। सो पहुंचते हैं आप सीधा पहुंचते हैं अपनी फैक्ट्री में, और वहां पे देखते हैं कि कितने बजे तक जो है अपनी गाड़ी लोड हो जाएगी, क्योंकि आज संडे था। हम सोच रहे थे कि संडे के दिन जो है लोड वगैरह नहीं करते हैं, संडे के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन हमारा किस्मत अच्छा निकला, चार गाड़ी डिमांड आया, तो हमने सोचा भर लेंगे भाई, इसमें क्या बात है। देखो भाई छोड़ो, ये आपके साथ ही सोता है? नहीं छोटो, कितना टाइम हुआ आपको इसको? क्या आज फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ यार, इसको कितना टाइम हुआ छोटो आपके साथ? ज्वेलरी को नहीं, मतलब पालतू हो गया ना, अभी आपके साथ ही रहता है, जैसे कबूतर होता है ना। ये देखो भाई, ये देखो छोटो, ये ज्वेलरी है कि चूहा? हाँ छोटो गिलहरी है चूहा, बोला मुझे सिजल छोटू।